हेलो दोस्तों, मैं मौसम स्वागत करती हूँ आपका आशुकारी डिजिटल एजुकेशन में। तो दोस्तों, हमारा आपका टॉपिक चल रहा था शेल्टर का। ईवीएस के सीटेट पेपर वन की तैयारी हम कर रहे थे। शेल्टर में हमारे दो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से कि हमने बर्ड्स का शेल्टर क्या क्या होता है और सारे एनिमल्स के क्या क्या शेल्टर होते हैं और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन शेल्टर के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपका सीटेट में जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो भाई, शेल्टर जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट तीन तीन क्वेश्चन इससे एक ही साल में पूछे गए हैं, तो कम से कम इससे तीन क्वेश्चन लगा के चलो आप। इस वाले टॉपिक से आपके तीन क्वेश्चन बिल्कुल कवर होने वाले हैं। और कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारा आशुकारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन शेल्टर यानी कि मानव का आश्रय, मानव का आवास। अच्छा, आप सब लोग अपने घरों में रहते हैं। किस में रहते हैं? अपने घरों में रहते हैं, तो वही है आपका आश्रय। क्लियर है? जैसे बर्ड्स का आश्रय था आपका नेस्ट, उनका घोंसला, एनिमल्स का सबका अलग अलग आश्रय है आपका, ऐसे ही हम जो ह्यूमंस हैं हमारा आश्रय है हमारा घर। तो शेल्टर जो है, ह्यूमन के आश्रय को क्या बोला जाता है? घर। ये दो अलग अलग टाइप का होता है आपका। क्या होता है? एक होते हैं कच्चे हाउसेस और एक होते हैं आपके पक्के हाउसेस। तो ये वाली बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टाइप के हाउसेस हैं आपके, कितने टाइप के हैं शेल्टर, कितने टाइप का है, दो हाउसेस, दो टाइप के हाउसेस हैं आपके। देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका कच्चा हाउसेस और नेक्स्ट है आपका पक्का हाउसेस। अब कच्चे हाउसेस का मतलब आप देख पा रहे हो यहाँ पे, कच्चा घर बना हुआ है, जैसे कि झोपड़ी टाइप होता है या फिर वो कच्ची चीजों से, कच्ची ईंटों वगैरह से बना हुआ होता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? जो आपका वुड से बना हो, लकड़ी से बना हो, कीचड़ से बना हो, स्ट्रॉ होते हैं जो आपके, स्ट्रॉ होते हैं, पुआल आदि होते हैं। जैसे एक पतली सी स्ट्रॉ, आप लोग फ्रूटी वगैरह पीते होंगे तो उसमें जो स्ट्रॉ इस्तेमाल की जाती है उस वाले मटेरियल से बने होते हैं, एक तरीके से प्लास्टिक होता है हल्का वाला, उससे जो कच्चे घर होते हैं वो बने हुए होते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आपके कच्चे घर होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, तो ध्यान रखना है लकड़ी से, मिट्टी से, पुआल आदि से बने होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? झोपड़ी। ध्यान रखना, जैसे कि आपका झोपड़ी आपने देखी हुई है। नेक्स्ट ये है आपका एक पक्का घर, किसी का बड़ा ही आलीशान मकान है, बंगला है, तो जो आपके पक्के मकान होते हैं वो आपके ईंटों से बने हुए होते हैं, सीमेंट से, रेत, लोहा, जैसे लेंटर वगैरह डलता है, कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल भी होता है, स्टील भी लगी हुई होती है उसमें, तो उनको क्या बोलते हैं आप? पक्के मकान। तो ध्यान रखनी है सीमेंट, रेत, लोहा, लकड़ी और स्टील, इन सब चीजों से जो घर बने हुए होते हैं वो होते हैं आपके पक्के मकान। एग्जाम्पल जैसे कि अपार्टमेंट्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, किसी का बड़ा बहुत ही बड़ा बंगला होता है, कोठियां होती हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं आपके? पक्के मकान। तो दो चीजें ध्यान रखने की है इसमें, कच्चा हाउस और पक्का हाउस किस किस के बने होते हैं, जल्दी से रिवाइज करो मेरे साथ। कच्चे हाउस बने होते हैं आपके लकड़ी के, मिट्टी के, पुआल के, हल्के वाले प्लास्टिक के, और जो आपके पक्के मकान होते हैं वो आपके ईंट, रेत, लोहा, सीमेंट और जो आपकी स्टील होती है उन सब से बने हुए होते हैं, ध्यान रखने वाली बात। चलिए अब देखते हैं हम, देखो अलग अलग टाइप, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के घर पाए जाते हैं। जैसे हमारे हरियाणा में अलग घर पाए जाते हैं, राजस्थान में अलग पाए जाएंगे, आपके दिल्ली में अलग है और आपके मनाली में अलग है। तो सीटेट वाले क्या करते हैं, जहां पे भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट से घर है, जैसे कि बहुत सारी चीजों में एक जैसे, जैसे कि आपका हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उनमें तो एक जैसे घर बनते हैं मेनली। लेकिन जब मैं आपके बात करते हैं राजस्थान की, मनाली की, असम की, जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर की, लद्दाख की, तो इन सब में क्या होता है आपके अलग अलग घर बने हुए हैं, इसीलिए वो फोकस करता है इन सब से ही क्वेश्चंस पूछता है। इन्हीं चार पांच स्टेट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन्हीं सबको हम देखेंगे। क्यों इनसे ही क्यों पूछे हुए हैं? क्योंकि क्योंकि आपका जो जो ईवीएस में आप देखना, थर्ड से फिफ्थ क्लास तक की बुक है जो ईवीएस में, उसमें ये सारे चैप्टर्स शामिल किए गए हैं आपके, तो इन चैप्टर्स की नॉलेज एक टीचर को होनी चाहिए, इसीलिए वो यही सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राजस्थान की, राजस्थान के घर कैसे होते हैं कैसे नहीं। आप ऐसे अगर कोई राजस्थान गया होगा तो आई थिंक उसको थोड़ा सा आइडिया होगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी गए हो तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे होते हैं। राजस्थान में घर होते हैं आपके कुछ इस टाइप के, उनकी जो ऊपर रूफ होती है वो मेनली लकड़ी की ही होती है,
किससे? और देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कीचड़ से, मेड ऑफ मड, या फिर जिसको बोलते हैं ना जो गाय भैंस का गोबर होता है उससे उनपे लिपाई पुताई की जाती है। ऊपर क्या की जाती है? लिपाई पुताई, चौका जो लगाते हैं, चौका बोला जाता है उसको, ये किया जाता है। देखो यहाँ पे देखो कितनी सुंदर सुंदर इन्होंने कढ़ाई की हुई है। तो इस टाइप के घर वहां पे एक तरीके से कच्चे टाइप के होते हैं। तो क्या क्या चीजें याद रखोगे इसमें? कि मेड ऑफ मड, मड़ के बने हुए होते हैं, यानी कीचड़ के बने हुए होते हैं। और क्या होगा? दीज हाउसेस हैव बीन बेटर अडैप्टिंग टू एक्सेसिव हीट, मड वॉल ऑफ दीज हाउसेस आर मेड थिक सो दैट हीट डज नॉट क्रॉस इट। यानी आपके जो मड़ के हाउसेस, ये जो राजस्थान के हाउसेस हैं, इनमें जो कीचड़ का इस्तेमाल किया गया है ना, थिक लेयर लगाई जाती है उसकी, मोटी लेयर लगाई जाती है। वो लेयर क्या करती है? आपको गर्मी से बचाती है, बहुत ठंडक महसूस होती है इन घरों में, कभी जाके देखना। क्योंकि वो है ना, ज्यादा हीट को अंदर जाने नहीं देती, जो सनलाइट होती है उसको अपने अंदर एंटर नहीं करने देती, जो मड होती है। ऐसे ही आपने मड के बारे में एक और क्वेश्चन पढ़ा था एलिफेंट्स का, कि एलिफेंट्स मड में क्यों खेलते हैं? अपनी स्किन को ठंडा रखने के लिए। क्यों? क्योंकि जो उनके बॉडी पर कीचड़ लगी हुई होती है ना, वो उनकी बॉडी पे जो सनलाइट होती है उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने देती, इसीलिए उनकी बॉडी कूल रहती है। तो ऐसे ही घरों में है, जैसे आपका ये मोटी मोटी मड़की दीवारें बनी हुई होती है, वो एक्सेसिव हीट को रोकती हैं अंदर, घर के अंदर जाने से। तो इसीलिए घर अंदर से काफी ठंडे होते हैं। या फिर इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आपके आप में से बहुत से लोगों के घर में, किसी के में हो किसी के में ना हो, मटके आपने देखो, मिट्टी के बने हुए मटके रखे हुए होते हैं, तो पानी इतना ठंडा होता है, बहुत गर्मी में भी पानी ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि वे एक्सेसिव हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते हैं। तो ध्यान रखनी है वाली बात। चलिए आप देखते हैं इसके कुछ और फीचर्स। अब ये देख लो आप, ये भी एक बहुत ही अच्छा घर है, यहाँ पे देख पा रहे हो, लेकिन मड से ही बना हुआ है। ऐसे ही इसके इनके ऊपर ये जो छत होती है, रूफ्स होती है, रूफ्स के ऊपर कुछ लकड़ी का वो बना हुआ होता है, फूस जिसको बोलते हैं। तो अब इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? रूफ्स आर मेड अप ऑफ फोडर एंड बुशेस। बुशेस यही है जो आपकी झाड़ियां होती हैं उनसे बनी हुई होती हैं। और आपका जो कीकर होता है, वुड ऑफ एकेसिया का मतलब होता है कीकर का जो पेड़ होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है आपका रूफ के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट रूफ फ्रॉम इंसेक्ट्स, कि आपकी छत पर कीड़े वगैरह ना लगे, ताकि वो लग के पानी को अंदर ना जाने दे, बारिश के पानी को नीचे घर में ना आने दे। इसलिए कीकड़ का इस्तेमाल किया जाता है इनकी जो छतें होती हैं इनको बनाने में। ये देखो जैसे आप ये वाली छत देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड, ये वाली जो रूफ है आप देख पा रहे हो, विजिबल है अच्छे से। तो इसमें जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो झाड़ी वगैरह है, और जो कीकड़ के पेड़ होते हैं, पत्तियां होती हैं, कीकड़ होते हैं मेनली, उसका इस्तेमाल इसमें किया गया, ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं, कीकड़ का पेड़ कड़वा होता है काफी, ठीक है, उसपे इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगते। इसलिए जो आपके बहुत सारे फर्नीचर्स होते हैं उनमें भी कीकड़ के पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखना है ये वाली बात भी आपको। नेक्स्ट है आपका, इसके जो हाउसेस होते हैं वो पेंट किए जाते हैं मड से, यानी कि एक तरीके से उस पे जो चौका लगाया जाता है वो मड़ का, कीचड़ का, या फिर जो गाय भैंस का काउ डंग, उपलों का गोबर होता है उनसे किया जाता है। लिखा भी है काउ डंग टू प्रोटेक्ट द मड फ्रॉम ब्रेकिंग एंड फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द इंसेक्ट्स। यानी देखो पहले क्या करते हैं, वो कच्ची दीवार बना लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि उसके ऊपर उसका गाय का जो गोबर होता है उसका पोचा वो लगा देते हैं, रंग देते हैं, मतलब उसके ऊपर लिपाई कर देते हैं, ठीक है, गाय के गोबर से, जिससे कि बहुत सारी चीजों से उससे प्रोटेक्शन मिल सके, यही चीजें उसको ठंडा रखती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दोस्तों आपकी कि हाउसेस ऑफ असम, असम में कैसे कैसे घर पाए जाते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे असम वाला। तो असम के जो घर होते हैं वो एकदम से वुड और बेम्बू से बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो असम है ना, एक हिली एरिया है, तो वहां पे है ना बारिश बहुत होती है, रेन फॉलिंग वाला एरिया है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। बोला जाता है असम में मोस्टली रोज दूसरे तीसरे दिन बारिश होती रहती है, तो भारी बारिश होती है, इसलिए उनको घर भी उस हिसाब से बनाने पड़ेंगे कि ताकि उनके जो घर हैं वो उस बारिश को सहन कर सके। तो कैसे घर बनाते हैं? इनके जो घर होते हैं 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं जमीन से। अब ये वाला घर देख लो आप, ये वाला देख पा रहे हो, बताओ अच्छे से।
देखो ये वाला जो घर है, ये यहाँ पे ये बैम्बू लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब नीचे लकड़ी के बैम्बू लगाए हुए हैं इन्होंने, तो 10 से 12 फीट ऊपर है ये जमीन से, ताकि जो बारिश होगी, भारी बारिश आए, बारिश का पानी है जो वो नीचे ही रहे, ऊपर इनके घरों में ना घुस पाए, और इनकी जो रूफ होती है स्लैंटिंग होती है, आई बात समझ में, इनकी जो रूफ होती है वो भी कैसी होती है, स्लैंटिंग होती है, तिरछी होती है इनकी, क्यों? और क्योंकि जो बारिश होती है, फ्लड वगैरह आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उससे अनअफेक्टेड रहे। देखो जैसे बारिश होगी तो बारिश का जो पानी है वो इधर उधर गिरेगा, ठीक बात है, लेकिन जो अगर सीधी रूफ बनाएंगे तो वहां पे जमा होता रहेगा, क्योंकि बहुत बारिश होती है। इसलिए ध्यान रखने वाली चीज, एक तो स्लैंटिंग रूफ, इसमें कहीं स्लैंटिंग रूफ लिखा नहीं हुआ है, आप ऐड कर लेना, स्लैंटिंग रूफ्स होती है, 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं ये ग्राउंड से। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए ध्यान से देख लो, ये है असम के घर, ऐसे ऊंचे ऊंचे ही बनाए जाते हैं। यहाँ पे भी देख पा रहे हो आप, इस वाले घर को भी अगर देख रहे हो तो ये भी काफी ऊंचा बनाया गया है, जमीन से उठा के बनाए जाते हैं सारे घर वहां पे, क्योंकि भारी बारिश होती है वहां पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका हाउसेस ऑफ मनाली, बहुत ही शानदार एक बोले एक पार्ट है आपका हिमाचल का, जो मनाली है बहुत खूबसूरत है, पहाड़ी पहाड़, बर्फी बर्फ, किसमें है ये? हिमाचल प्रदेश में है, ये वाली बात पूछी जा सकती है। ऑफ कोर्स आपको पता होगा क्योंकि मनाली एक टूरिस्ट प्लेस है, वहां पे लोग बहुत सारे लोग जाते रहते हैं उसकी सुंदरता को देखने के लिए, तो ध्यान रखना ये हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में। ये कैसा है आपका, एक हिली एरिया है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे है, कभी आप मनाली गए हो रास्तों से तो सारे पहाड़ों में से रास्ते काट कर बनाए हुए हैं, तो वो बिल्कुल पहाड़ों में से जाता है, हिली एरिया है। यहाँ पे जो बारिश है भारी बारिश होती है, और जो रेन वो है स्नोफॉल है, स्नोफॉल भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, और आप जनवरी फरवरी में जाके देखोगे, जनवरी या फरवरी में, तो वहां पे स्नोफॉल आपको होता हुआ मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो ध्यान रखनी है कि स्नोफॉल होता है और हिली एरिया है, ये दोनों फीचर्स इसके पूछे जा चुके हैं। तीसरा इसके घर के बारे में पूछा जाता है कि यहाँ पे जो घर है वो किसके बने हुए होते हैं, सिर्फ दो चीज ध्यान रखनी है, स्टोन के, पत्थरों के और लकड़ियों के, विद स्लैंटिंग रूफ, सेम जैसा ही है, विद स्लैंटिंग रूफ का मतलब है तिरछी वो होती है इसकी छतें। क्यों होती है भैया तिरछी छतें? देखो ये एक मनाली का घर है, देख पा रहे हो, मनाली का घर है, यहाँ पे छतें तिरछी हैं, देखो ये बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है, बर्फ गिर रही है, अब ये छतों पे ऐसे बर्फ ऐसे, यहाँ अगर ये छत सीधी बनाते तो बर्फ ऐसे गिर गिर के जमा होती रहती जमा होती रहती, लेकिन इन्होंने स्लैंटिंग रूफ्स बनाई है, यानी तिरछी हुई टेढ़ी छत बनाई है, जिससे कि बर्फ जो है वो पिघल पिघल के नीचे आती रहेगी और इनकी छतों पे जमा नहीं होगी। तो ध्यान रखना है, कभी मनाली जाना जरूर, बहुत अच्छी जगह है, तिरछी होती है इनकी छतें और मकान जो है वो पत्थर या लकड़ी के बने, सिर्फ ये दो चीज मेनली पूछी जाएंगे आपसे, ये वाला पॉइंट, पत्थर और लकड़ी के घर और छतें होती हैं तिरछी, और हिली एरिया आपको पता है स्नोफॉल भी होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं आपके हाउसेस ऑफ लद्दाख। लद्दाख भाई बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, लगा लो घरों में से, ह्यूमन शेल्टर में से, सीटेट वालों का फेवरेट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो क्या है आल्सो कॉल्ड कॉल्ड डेजर्ट, लद्दाख को आपको पता बहुत ही ठंडा एरिया है, मनाली से भी ऊपर जाओगे ना, मनाली में तो सारे पहाड़ ही पहाड़ है, मनाली से भी ऊपर जाओगे बर्फ गिरती है तो वहां पे और भी ज्यादा ठंड है, लेह लद्दाख में, तो इसलिए लद्दाख कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है इसको, शीत मरुस्थल। वहां पे आपने कभी पिक्स वगैरह देखी होंगी, मूवीज में देखा होगा, नीचे बर्फ ही बर्फ होती है, आइस स्केटिंग होती है, ये सारी चीजें, तो इसको शीत मरुस्थल कहा जाता है। और इसके जो घर होते हैं वो सिंपल सिंपल स्टोन्स के बने होते हैं, मेनली किसके, पत्थरों के घर बने हुए होते हैं, ध्यान रखना आप पत्थरों के, इतनी ठंड में पत्थरों के घरों से ही गुजारा होगा वहां पे, ठीक है, इसीलिए थोड़ी सी थोड़ा सा गर्मी प्रदान करने के लिए और जो स्ट्रॉन्ग हो ऐसी चीजें वहां बनाई जाती हैं, ऐसे घर। ये घर है मनाली का, देख पा रहे होंगे, अच्छा इनमें दो फ्लोर्स होते हैं वो आगे पढ़ेंगे हम, दो फ्लोर के घर होते हैं, ऊपर वाली फ्लोर पे तो पीपल रहते हैं, नीचे वाली फ्लोर पे अपना जरूरी सामान इकट्ठा करके रखते हैं, या फिर किसी को गाय भैंस वगैरह रखनी हो उनको रखते हैं नीचे वाली फ्लोर पे। क्यों ऊपर क्यों रहते हैं हमें बताओ, क्यों? क्योंकि ठंडा है, थोड़ी बहुत धूप निकलती होगी वो ऊपर इनके पास जल्दी पहुंच सके, मोस्टली छतों पे मिलेंगे आपको
यानी इनके भी ऊपर वाली छतों पर रहेंगे। ठीक है बात, चलिए और देखते हैं इसके बारे में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। अच्छा, इसकी जो वॉल्स होती हैं, दीज आर कोटेड विद थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, जो आपको चूना होता है, चूना पत्थर जो सीमेंट में मिलाया जाता है, जब पेंट करते हैं, जो उसमें मिलाया जाता है, पेंट करते हैं उस टाइम पे मिलाया जाता है, तो इनकी जो दीवार है उन पर चूने की और मिट्टी की मोटी परत चढ़ी हुई होती है। क्यों? क्योंकि पहले किससे बचाने के लिए, इनको ज्यादा ठंड से बचाने के लिए, क्लियर है, पहली मंजिल की छत को मजबूत बनाने के लिए मोटे पेड़ का उपयोग किया जा सकता है, यानी जो पहली मंजिल की छत होती है इनकी, फर्स्ट फ्लोर होती है, तो वहां पे किस किस का थिक ट्रीज, जो मोटे मोटे ट्रीज होते हैं, उनके जो तने होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि छत से उससे ठंड से बचाव हो सके, और घरों में लकड़ी के फर्श, लकड़ी की छत भी पाई जाती है, लकड़ी की फर्श भी बनाते हैं और लकड़ियों की छत भी मिलती है। ये सारे जो जो एक एक पॉइंट बता रही हूँ, ये सारे पूछे जाएंगे, बिल्कुल एक एक पूछा जाएगा, आपको याद रखने हैं बिल्कुल। चलिए, देख पा रहे हो यहाँ पे, ये मोटा उसका है, चूना होता है जो, और मिट्टी होता है उसकी मोटी परत चढ़ी हुई है इस घर पे, ये दिखाने के लिए है। चलिए, पत्थरों का भी इस्तेमाल होता है, देखो वुड का भी हो रहा है यहाँ पे, वुड का भी हो रहा है, परत भी चढ़ी हुई है, पत्थरों का भी हो रहा है, सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं, ये फिर से एक लद्दाख का घर है, इसमें दो मंजिला इमारत होती है, भूतल पर जरूरी चीजें और जानवर रखे जाते हैं, जो आपका फर्स्ट वो होता है उस पर, तो जानवर अभी मैंने बताया था, और कुछ उनकी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको रखते हैं, और पहली मंजिल पर वे रहते हैं खुद। भूतल में खिड़कियां नहीं होती हैं, यानी कि जो आपका ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें कोई भी विंडोज नहीं होती है, जैसे कि आपका ग्राउंड फ्लोर ये वाला हो गया, तो इसमें विंडोज नहीं होगी, विंडोज इसमें है ऊपर वाले में। मोस्टली घरों में ऐसा होता है कि नीचे वाले उसमें खिड़कियां नहीं रखते हैं, ऊपर वाले में खिड़कियां रखते हैं, तो ध्यान रखने वाली बात आपको। चले आगे, चलिए नेक्स्ट, अभी लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन इंटेंस कोल्ड पीपल कैन शिफ्ट टू द ग्राउंड फ्लोर, जब बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है ना, जैसे बिल्कुल बर्फ बर्फ पड़ रही हो रोज की रोज, तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा ठंड की वजह से नीचे वाले में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि वहां बिल्कुल ठंडी ठंड पड़ती हो, जब धूप निकलती है आपकी गर्मियों में तो वहां पे धूप भी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। अब जब यहाँ पे ज्यादा ठंड पड़ती है यहाँ के एरिया में, तो वहां पे और ज्यादा ठंड पड़ती है, ये है मतलब कहने का। तो वैसे वहां नॉर्मली टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, 23 से 25 ऐसा रहता है वहां पे टेम्परेचर, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है वहां पे। ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, जैसे घर की छत पर वो क्या करते हैं, अपनी सब्जियां सुखा ली या फिर फ्रूट सुखा लिए, किस लिए सुखा के रखते हैं उनको, क्योंकि धूप बहुत कम निकलती है वहां पे, ज्यादातर स्नोफॉल होती है, रेन होती है, किसकी वजह से, माउंटेन्स की वजह से, तो इसलिए वो क्या करते हैं अपने घरों में सब्जी और फल को उनको सुखा सुखा के लिए रख लेते हैं, और वो कुछ सीजन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं जब बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, द हाउसेस लुक्स लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे स्टोर्ड देयर, यानी कि जो घर होता है अंदर से शेड जैसा दिखता है, इसमें बहुत सारी घास हो जाती है ना जैसे, तो वो अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ इसमें बहुत सारी घास होगी, और वो जो हम अच्छा ऊपर कैसे जाते हैं, वुडन स्टेप्स होते हैं, क्योंकि वुडन की मोस्टली वो सीढ़ियां बनाए हुए होते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे चढ़ के जाएंगे। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से पूछा जाता है आपका, क्या पूछा जाता है कि लद्दाख में झूले झूले, झूले झूले का मीनिंग क्या है, झूले झूले का मीनिंग है आपका वेलकम वेलकम। ठीक है, आपने कभी देखा हो, कभी गए हो लद्दाख की तरफ, वो कहते हैं झूले 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 ऐसे करते हैं वो, तो उसका मतलब क्या होता है आपका, कि स्वागत कर रहे हैं वो आपका, कि आपका लद्दाख में स्वागत है, वेलकम है। तो ध्यान रखने वाली बात, यहां से बार बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है बात, पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लद्दाख के बारे में बहुत सारी चीजें याद रखने की है, बिल्कुल ध्यान रखो, दो फ्लोर मंजिल्स होती है उनकी, टू फ्लोर बिल्डिंग्स होती हैं, पहली बिल्डिंग पे लोग रहते हैं, नीचे वाली पे अपना जरूरी सामान और जानवरों को रखते हैं, और बहुत जल्द इसको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। बात करते हैं, इट इज अ हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड ए कोल्ड डेजर्ट, ये ऊंचा है, शुष्क और समतल है, जिसे शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। बहुत लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, वहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है, ठीक है,
वैसे रेनफॉल बारिश जो है वैसे कम होती है, लेकिन वहां पे बर्फ ज्यादा पड़ती है। देर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स। देखो बारिश का तो बोल रखा है कि कम वर्षा होती है, लेकिन वहां पे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, तो उनकी वजह से बहुत ठंड रहती है वहां पे, और इसीलिए बर्फ भी काफी पड़ती है। एंड ए कोल्ड फ्लैट ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस टू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोन इन लद्दाख। तो इसलिए शुष्कता के कारण ठंडी समतल जमीन लद्दाख में कई पौधे और पेड़ नहीं उगते हैं, इसलिए वहां पे कुछ ही टाइप के, एक ही टाइप के मोस्टली आपको पेड़ पौधे मिलेंगे जो कि वैसे मौसम में उगाए जाते हैं जो पहाड़ों पर। देखो अब खाली बर्फ ही बर्फ है, बर्फ से जमे हुए वो है वहां पे पहाड़, वहां पे वो वाली बर्फ आपको हमेशा मिल जाएगी जो आपका एक ड्रीम होता है कि हाँ बर्फ में जाना है, बर्फ में खेलना है, वो वाली बर्फ आपको हमेशा मिलती है वहां पे, थोड़ा सा सोलांग वैली में ऊपर की तरफ जाकर। तो यही है कि जो लद्दाख में शुष्क होगी, बर्फ ज्यादा पड़ती है, बारिश कम होती है, तो इसलिए जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं उग पाते हैं, क्योंकि उनको शुष्क वाले पेड़ पौधे उग पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो कांटों की तरह के ऐसे पेड़ होते हैं, वही वही दिखते हैं सिर्फ वहां पे सारे। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप जा सकते हैं लद्दाख अगर आपका मूड है तो। मजाक की बात थी भाई, एज ऐसे ही बोल दिया। बात करते हैं हेयर ग्राउंड फ्लोर्स हैव नो विंडोज। ये तो देख लिया हमने कि जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहां पे विंडोज नहीं होती है, खिड़कियां नहीं है, और जो आपकी लाल मिर्च हो गई, आपके बीज हो गए, ऑरेंज पम्पकिन, नारंगी कद्दू नहीं होते, नारंगी रंग के होते हैं जो घिया अलग टाइप के कद्दू से होते हैं आपने देखे हो, और जो गोल्डन येलो कॉर्न्स होते हैं आपके, जो कॉर्न्स मक्के पाए जाते हैं वो बहुत मिलते हैं वहां पे। इन सारी चीजों को क्या करते हैं, ये खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और सुखा लेते हैं ताकि फिर बाद में भी इस्तेमाल करते रहे। वहां के पीपल बड़े ही, वहां का जो वाटर है वो भी बड़ा ही सिंपल, बहुत ही अच्छा पानी है, एकदम से प्योर जिसको बोलते हैं। वहां के लोग भी बहुत सीधे हैं, इसलिए पहाड़ों पे रहने वाले लोगों के बारे में बोला जाता है कि वो बहुत सीधे होते हैं और उनकी हाइट जो है वो भी काफी ज्यादा होती है। चलिए तो ये था आपका लद्दाख के बारे में। एक चीज और देख लेते हैं क्या है। ड्यूरिंग समर सीजन जो लोग होते हैं ना, वो मैनी जो फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल, उनको सुखाते हैं और फिर विंटर्स के लिए जब सर्दी आती है उनको स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनको, जिस टाइम पे उनको जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं, तो इसलिए उनको सुखा के रख लेते हैं, फिर उनको ही बनाते रहते हैं। तो जो, और इसकी जो मोटी वो होती है दीवारें होती हैं, वुडन फ्लोर, लकड़ी के फर्श होते हैं, और जो लकड़ी की सीलिंग्स होती हैं वो क्या करती है, इनको सर्दियों से बचाती है। तो हमने ये हमें पता ही है, ठंड से बचाती है। चलिए अब बात करते हैं आपके हाउसेस ऑफ श्रीनगर। तो लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, लद्दाख के बारे में जितनी भी चीजें बताई हैं सारी आपको बिल्कुल याद रखनी है। श्रीनगर लद्दाख के बारे में एक मेन चीज है याद रखो, झूले झूले को वेलकम बोला जाता है वहां की लैंग्वेज में, और वहां पे दो स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, लाइम और मड़का उनके घरों पे वो लेप किया जाता है, और स्टोन्स के घर बने होते हैं मोस्टली, और दो बिल्डिंग्स होती हैं, ऊपर वाली में खुद रहते हैं, नीचे वाली में जानवरों को और जरूरी चीजों को रखते हैं। और कोल्ड डेजर्ट, द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कोल्ड डेजर्ट किसको बोला जाता है आपका, लद्दाख को। ये पॉइंट ध्यान रखने के, इनको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाउसेस ऑफ श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में है श्रीनगर, श्रीनगर के घर कैसे हैं कैसे नहीं है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार। तो श्रीनगर में जैसे घर पाए जाते हैं वो होते हैं आपके स्टोन और वुड, दोनों के मिक्स होते हैं, किस किस के, पत्थर और लकड़ी दोनों को मिला के घर बनाए जाते हैं। हेयर इज गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल। तो श्रीनगर में भी आपका बहुत अच्छी बारिश होती है और बहुत ही अच्छी बर्फबारी होती है श्रीनगर में। तो आपने देखा होगा जो आई थिंक जो डल लेक है, वहां की फेमस डल लेक है, वहां पे झील है जो डल झील, उसमें जो हाउसेस बने होते हैं, बोट्स, हाउस बोट्स बने हुए होती हैं, तो कभी कभी वो डल लेक में भी इतनी बर्फ वगैरह पड़ती है कि वो भी जम जाती है। तो वहां पे भी अच्छी बारिश होती है और बर्फबारी भी खूब होती है, मतलब ठंडा एरिया है वहां पे। बहुत फेमस आपका माता वैष्णो देवी का टेम्पल भी है जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये थी कुछ बातें जो आपसे पूछी जा सकती हैं। अब देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या है, इसमें कैसे कैसे और घर पाए जाते हैं। ध्यान रखना वुड और स्टोन दोनों के मिक्स घर होते हैं। जो इनके घरों की छतें होती है वो भी स्लोपिंग से होती है, क्यों भाई, भारी बारिश और स्नोफॉल से बचने के लिए, जैसा कि मोस्टली एरियाज में अभी हमने देखा है असम में ऐसी होती है, मनाली में ऐसी होती है, तो इसमें भी क्या होती है, वो ऐसी ही होती है, यानी स्लैंटिंग होती है।
स्लोपिंग साइड्स, स्लोपिंग टाइप, जैसे स्लोप बना हुआ होता है आपका ऐसे, क्यों? क्योंकि ताकि जो बारिश है, बारिश का पानी है और बर्फ, बर्फ जो जमी हुई होती है वो आसानी से नीचे धरती में गिर सके। और इसके जो हाउसेस हैं वो स्टोन, ब्रिक्स एंड वुड्स, इन तीनों चीजों से बने हुए होते हैं। चलिए बढ़ते, ये एक श्रीनगर का घर था, आप इसको देख सकते हो अच्छे से, बड़ा ही खूबसूरत घर है। कहीं यहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे देखो पत्थर है और यहाँ पे ये वुड है, तो कितना अच्छा लुक आ रहा है इस घर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीनगर के जो घर है उनमें क्या, ऐसे जो घर होते हैं आपके वुड से पाए जाते हैं, वुड से बने होते हैं, स्टोन से बने होते हैं। हमने देखा मनाली में भी ऐसे ही बने हुए होते हैं कि वुड और स्टोन से मेनली, और कुछ और कश्मीर वैली के कुछ एरिया है उनमें भी ऐसे ही घर पाए जाते हैं। तो जो श्रीनगर के घर है उनमें है ना एक ये खूबसूरत सी क्या बनी हुई होती है, मेहराब टाइप की, ये ब्यूटीफुल आर्करी सी बनी हुई होती है, आर्किटेक्चर जिसको बोल लेते हैं, कला बोल सकते हो आप इसको, बहुत ही नक्काशी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, नक्काशी। नक्काशी क्या होती है, जो दीवारों वगैरह पे पेंटिंग्स की जाती हैं, ठीक है, अच्छे से ये वाली, इसको नक्काशी। देखो जगह जगह देख पा रहे हो ना, जगह जगह ये सारी चीजें बनी हुई होती है, ये सब वहां के वही लोग बनाते हैं जो मजदूर होते हैं घरों को बनाने वाले, वही सब बनाते हैं। तो इस वाली कला को आपका क्या बोला जाता है, मेहरा, क्या बोला जाता है, मेहराब। ध्यान रखनी है ये बात, ये मेहराब वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वहां की जो ब्यूटीफुल वो बनी हुई होती है, ब्यूटीफुल दरवाजे और खूबसूरत मेहराब, मतलब क्या बना हुआ होता है, उसको क्या नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है आपका मेहराब के नाम से। तो ध्यान रखना लकड़ी की बनी हुई होती है, लकड़ी है ये सारी लकड़ी है, लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी बनाई हुई है। और देख पा रहे हो ये घर कहाँ है आपका, पानी के अंदर है, पानी में हाउस बोट्स होती है, उनके अंदर ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे घर बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखनी है वाली बात भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसमें मेहराब पॉइंट ध्यान रखना है आपको। दूसरा इसका मेन पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछा गया, ये है आपकी एक तरह की लकड़ी पर प्रदर्शित की गई है डब, क्या कहते हैं इसे, डब कहते हैं, लकड़ी का पैटर्न है ये, जिसे लकड़ी पे ही बहुत अच्छा सुंदर पैटर्न बनाया गया है, जिसको बोलते हैं आपका डब, ध्यान रखना। इसमें दो पॉइंट ध्यान रखना भाई, एक तो मेहराब और एक है आपका डब, तो दोनों चीजें ध्यान रखना। और जो पुराने हाउसेस हैं कुछ, वो क्या है, टाइप ऑफ विंडो क्या है, कुछ पुराने घरों में एक विशेष प्रकार की खिड़की होती है जो दीवार से निकलती है, जो पहले टाइम के कुछ पुराने से घर थे उनमें एक अलग टाइप की क्या होती है, खिड़की होती है जो दरवाजे से अटैच होती है, दरवाजे से दीवार से निकलती है, तो ध्यान रखना। और इसमें दो पॉइंट ध्यान रखना बिल्कुल, डब और मेहरा जो आएंगे आपके पेपर में। चलिए और देखते हैं, श्रीनगर यू विल सी सम हाउसेस ऑन द माउंटेन्स वेल सम ऑन वाटर, कुछ घर तो आप देखोगे कि पहाड़ों पे बने हुए हैं, कुछ देखोगे आप बिल्कुल पानी में बने हुए हैं। ये तो देखो पानी में बने हुए घर है श्रीनगर के, यहाँ पे देखो बोट्स हैं, ये निकलते हैं बोट से ही, मोस्टली आते जाते हैं ये, इनका डेली का तो यही है, कहीं आना हो जाना हो तो इन बोटों से ही। तो और ये है आपके कुछ पहाड़ों पे बने हुए घर, श्रीनगर में ऐसे घर बने हुए होते हैं जिसपे वुड स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये लकड़ी के भी हैं पत्थरों के भी हैं जो बोट्स पे बने हुए होते हैं पानी में। तो चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट है आपका डोंगा। ये जो डोंगा घर है वो आपका कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में देखा जाता है मेनली, कश्मीर में, श्रीनगर में, श्रीनगर में जो डल लेक है वहां पे ऐसे घर पाए जाते हैं। ये देखो तुम्हें दो लग रही होंगी, है ना, जैसे लग रहा है कि दो बनी हुई है ये, लेकिन ये क्या है आपकी, डोंगा नाम की एक हाउस बोट है जिसको बोलते हैं, इनका नाम स्पेशल रख रखा है आपका डोंगा, ये घर है एक तरीके से। अब यहाँ पे देखो ये मेहराब टाइप की पेंटिंग भी बनी हुई है, और खिड़कियों पे डब टाइप की भी होगी अंदर कुछ, और ये पानी में वोट है जो कि बहुत स्ट्रांग बनी हुई होती है और इसी के अंदर लोग रहते हैं। तो डोंगा किनको बोलते हैं, आपके पानी में जो घर होते हैं, जो नाव घर पर, नाव पर घर मौजूद होते हैं, उनको क्या बोला जाता है आपका डोंगा। इनमें अलग अलग बहुत सारे रूम्स होते हैं, और ये कहाँ मिलते हैं, डल झील, कश्मीर में जो डल झील है, डल लेक, उसमें इनको आपको देखा जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा कि जो आपका डोंगा होता है वो क्या है,
तो डोंगा को आप सिंपली क्या बोलोगे, दीज आर हाउसेस इन वाटर, जो पानी में घर बने हुए होते हैं वो डोंगा होते हैं, इनमें अलग अलग रूम्स होते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं, डल लेक। डोंगा से डल लेक याद रखना, डल लेक, डल झील, बहुत ही फेमस लेक है कश्मीर की, डल लेक, यहाँ पे ये घर देखे जाएंगे आपको डोंगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं हाउस बोट्स, यानी कि आपके जो नाव घर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। अभी आपने देखा मोस्टली आपके श्रीनगर हो गया, आपका कश्मीर हो गया, श्रीनगर में तो नहीं, आपके कश्मीर में मिलेंगे और केरला में। केरला में जो आपकी बोट होती है उसको वल्लम बोलते हैं। क्या बोला जाता है, वल्लम। जब क्वेश्चन के थ्रू और सारी चीजें क्लियर होंगी आपको, तो ध्यान रखना हाउस बोट्स कहाँ के कहाँ पाई जाती है आपकी, केरला में और कश्मीर में। और ये किस किस के बने होते हैं, मेनली वुड की बनी हुई होती है और वाटर के ऊपर ही बनी हुई होती है। देख पा रहे हो बहुत ही सुंदर हाउस बोट है जिसका अपना घर है। पता क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी मजबूत हाउस बोट खरीद लेते हैं, तो उसमें ही फिर अपने घर की खुद से वो करवाते हैं, अपने घर को जैसे खुद बनवाते हैं, यहाँ पे बनवाते हैं जैसे मिस्त्री वगैरह से, तो वहां पे भी खुद ही बनवाते हैं अपने हिसाब से कि इनको ऐसे डिजाइन चाहिए, इनको ऐसी पेंटिंग चाहिए। या फिर ऐसा होता है कि बोट्स पे बहुत सुंदर सुंदर घर बने हुए होते हैं और जो बनवाता है वो मतलब बेच देता है अपने अपने घरों को, तो लोग खरीदते हैं उनको, तो इसी टाइप के घरों में वो रहते हैं, पानी में मौजूद होती है ये। चलिए कश्मीर और केरल में पाई जाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ के जो घर होते हैं वो क्या होते हैं, एटलीस्ट जो बोट होती है ना वो कम से कम 80 फीट लंबी होती है। कितनी फीट लंबी, 80 फीट लंबी और 8 से 9 फीट चौड़ी हो सकती है, ऐसे चौड़ाई में। ये नहीं कि सिर्फ बोट है तो छोटी होगी, वो छोटी वाली बोट की बात नहीं हो रही है, तो बहुत बड़ी बड़ी टाइप की बोट होती हैं, जिनमें एक जैसे यहाँ पे सिंपल घर बने हुए होते हैं ऐसे ही उनके घर होते हैं, लंबे लंबे उनके बड़े बड़े रूम्स होते हैं, सारी चीजें उनमें अवेलेबल होती है। तो और इस इन हाउस बोट्स पर एक लकड़ी की सुंदर नक्काशी की गई होती है, उसको बोलते हैं खातमबंद। यहाँ से आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोला जाता है इसको, खातमबंद। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो हाउस बोट्स होती हैं उनपे जो वुडन की कार्विंग होती है, लकड़ी की नक्काशी बनी हुई होती है, उसको बोला जाता है आपका खातमबंद। देखो ये जो ये तरह तरह की आप देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो आप, ठीक है, ये वाली देख पा रहे हो, ये वाली देख पा रहे हो, तो इन सबको क्या बोला जाता है आपका खातमबंद, तो ध्यान रखना। चलिए अब चलते हैं आगे, अभी बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में क्या होता है, हर गली में एक बेकरी होती है, बेकरी आप जानते हो जिसपे खाने पीने का सामान मिलता है। तो कश्मीर के जो लोग होते हैं ना मोस्टली वो रोटी वगैरह कम बनाते हैं, इन बेकरियों पे से ही क्या होते हैं सामान को खरीदते हैं, यानी दे बाय इट फ्रॉम सच बेकरीज। तो इन बेकरियों वालों का जो धंधा है वो बहुत ही अच्छा चलता है वहां पे। तो हर गली में एक बेकरी है और कश्मीरी जो लोग होते हैं अपने घरों में रोटियां नहीं बनाते हैं, वो इन बेकरियों से ही खरीदते हैं, तो ध्यान रखना ये वाली बात भी। आप कभी कश्मीर जाओ तो आप इस बात को चेकआउट भी कर सकते हो कि हाँ रियल में ये होता है या नहीं, मतलब मोस्टली पीपल खरीदते हैं, आप कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो बनाता होगा, ऐसा तो नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं हम फोर्ट एंड पैलेसेस, यानी कि जो आपके किलेज होते हैं, महल होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे कैसे पहले बने हैं, ये हाउसेस के टाइप के अंदर आ जाएगा कुछ से आपके कैसे घर होते हैं। अभी है फोर्ट एंड पैलेसेस। दिस बिल्डिंग्स वर मेड इन अर्लियर टाइम्स बाय किंग्स एंड एम्प्रेस। जो आपके ज्यादातर किले और महल होते हैं वो आपको भी पता है, हमारे जो पुराने राजा महाराजा थे उन सब ने बनाए हैं। आपने बहुत सारी चीजें तो देखी होंगी, फतेहपुर सीकरी का जो आपका किला है और आगरे का किला है, ये सारी चीजें किन्होंने बनवाई, जो हमारे पहले के राजा महाराजा थे, लीडर्स थे, उन्होंने बनवाई। तो ये बिल्डिंग कैसे बनवाते थे, बहुत बड़ी बनवाते थे, क्यों, क्योंकि इनकी इनके महलों में बहुत सारी रानियां होती थी, बहुत सारे लोग होते थे, बहुत ज्यादा जनता होती थी, तो सबके लिए अलग अलग रूम्स बनवाते थे, इसलिए उस हिसाब से बनवाते थे। कहीं पे कोई सभा होनी है, कहीं पे और कार्यक्रम होना है, कहीं पे किसी चीज की बैठक होनी है, कहीं पे किसी चीज के बारे में, कोई इनका बगीचा होता था, कोई इनका सोने का रूम अलग होता था, कोई इनका अलग से, मतलब अलग अलग कमरे ये बनवाते रहते थे। और जो इनके वॉल्स एंड सीलिंग्स थी इन बिल्डिंग्स की, डिजाइन होती थी और मोटिफ होता था इनपे, यानी आकृति होती थी, मोटिफ का मतलब है आकृतियां,
जैसे आपने देखा होगा, आप कभी फतेहपुर सीकरी गए हो तो वहां पे जो महल वगैरह बनाए गए हैं, या फिर किसी पुराने किले में महल में जाके आप देखोगे तो वहां पे बहुत सारी आपको छपी हुई नक्काशी दिखेगी, क्योंकि वो उस टाइम पे कुछ ना कुछ लिखवाते थे, कुछ ना कुछ छपवाते थे, डिजाइन वगैरह तो बनवाते थे, आकृतियां वे अपनी ही छपवा देते थे कि कोई कुछ कर रहा है, कोई तलवार चलाते का बनवा दिया है सीन, या फिर कोई गार्डनिंग का करवा दिया है, और घोड़े पे बैठे हुए का अपना आकृति बनवा दी है, ये सारी चीजें वो करवाते रहते थे। तो आई होप ये हमारी चीजें क्लियर होंगी आपको। अब बात करते हैं हम इग्लू, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जो इग्लू होता है वो क्या होता है? कोल्ड रीजन में पाया जाता है, बिल्कुल जैसे कि लेह हो गया, कि लद्दाख हो गया, वहां पे ये पाया जाता है। बहुत ज्यादा ठंडे रीजन में पाया जाता है, रशिया वगैरह में बहुत मिलता है। These houses are made up of ice blocks. किससे बने हुए होते हैं? आप देख पा रहे होंगे, आइस के ब्लॉक से बने हुए होते हैं, जो आपके बर्फ के टुकड़े होते हैं उनसे बने हुए होते हैं। और किस टाइप में? मेनली अंडाकार होते हैं। कैसे होते हैं? शेप ओवल शेप्ड में होते हैं। तो ध्यान रखना, इसकी शेप पूछ ली जाती है कि इग्लू के जो घर होते हैं वो किस शेप में होते हैं। मोस्टली ओवल में होते हैं, ऐसे ओवल शेप का आपको अंदाजा होगा, जो आपकी ओवल शेप होती है वो होती है ऐसे, ठीक है, अंडे की जो शेप होती है। तो ये कुछ ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसे ही इसी शेप में बना हुआ है। तो और एंट्री डोर वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि लोगों को ऐसे झुक के अंदर जाना पड़ता है इसमें। यहाँ पे देख भी पा रहे हो आप, ऐसे इसमें कोई भी जाएगा तो वो क्या होते हैं कि झुक के जाते हैं। एस्किमोस लिव्स इन द इग्लू, जो आपके एस्किमोस रहते हैं वो इग्लू में रहते हैं। एक कुछ पीपल है, एक जाति का नाम है एस्किमोस, और बहुत सारे इनमें आपने देखा होगा, एक ठंड वाले भालू होते हैं, ध्रुवीय भालू उनको बोला जाता है, वो इग्लुओं में रहते हैं ऐसे घरों में, ठीक है बात। तो ध्यान रखना, और जो एस्किमो एक जाति है, जनजाति है, वो भी इग्लू के घरों में रहती है। अब इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या है। चले आगे, इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखना कि कौन से लोग रहते हैं, ओवल शेप्ड का होता है और एस्किमो जनजातियां रहती हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब बात करते हैं टेंट हाउसेस की, कि आपके जो टेंट के हाउसेस बने हुए होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये टेम्परेरी शेल्टर की फॉर्म में आते हैं। टेम्परेरी शेल्टर मतलब अस्थायी आश्रय, यानी कि आप कहीं गए 4-5 दिन के लिए गए हो, वहां पे आपने कोई टेंट लगा लिया और उसमें आप 4-5 दिन के लिए रह रहे हो, तो एक ऐसे होते हैं वो टेंट हाउसेस, आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्या होता है, आपके मेनली किससे बने होते हैं? प्लास्टिक और क्लॉथ्स और नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। जो हिली एरिया पे, पहाड़ी इलाकों पे लोग रहते हैं वो ज्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं? आपका नायलॉन के उनके टेंट का, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी से फटते नहीं है और ज्यादा चलते हैं। तो ध्यान रखनी है किस किस से बने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। प्लास्टिक से, क्लॉथ से और नायलॉन से बने हुए होते हैं। और जो माउंटेनियर्स होते हैं, आपके पर्वतारोही होते हैं, वो ऐसे टेंटों को क्या करते हैं, वो साथ में लेके जाते हैं और 2 लेयर प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे 2 लेयर प्लास्टिक होती है एक, मतलब उन टेंटों पे 2 लेयर की प्लास्टिक लगी हुई होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। वो कहीं भी जाते हैं, बाइक वगैरह पे जा रहे हैं तो उसको फोल्ड करके रख ले गए हैं। मोबाइल शेल्टर भी बोला जाता है जिसको, एक टाइप से मोबाइल शेल्टर का मतलब है जहां भी गए वहां पे अपने साथ ले गए, छोटा सा टेंट बिल्कुल, उसको फोल्ड करके कितना भी बड़ा कर लिया, बहुत ही मुलायम उसका होता है लेकिन बहुत ही स्ट्रांग होता है वो। तो नायलॉन आपका बहुत स्ट्रांग होता है, स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए नायलॉन से बने हुए होते हैं मोस्टली टेंट, जो हिली एरियाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ये जो टेंट का वो है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो एक चंगपा ट्राइब होती है, ये लद्दाख की है, चांगपा जनजाति, ये क्या करती है, इनके ये क्या करती है, मेनली जो याक होती हैं, भेड़ बकरियां होती हैं, उनको ही पाल के अपनी लाइफ को चलाती हैं। तो उनकी जो वूल होती है उसको इकट्ठा करके, उसकी उससे बुनी हुई पट्टियों का इस्तेमाल करके ये बड़ा सा तंबू बना लेती है, ये है इनका। ये आप देख पा रहे हो, काली सफेद भेड़ों के उससे इस्तेमाल किया गया ये एक टेंट बनाया हुआ है इन्होंने। किससे? काली और सफेद जो भेड़ बकरियां होती हैं, इनकी जो स्किन होती है उसकी ऊन से, उसकी ऊन की कुछ पट्टियां से बना के ऐसा इन्होंने टेंट बनाया गया। अब इसमें इसकी क्या है वो, इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी आपको, क्योंकि बहुत गर्म होती है इनकी जो
वूल होती है ना भेड़ बकरियों की, बहुत ज्यादा गर्म होती है, पश्मीना शॉल भी इसी की बनाई जाती है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है एकदम से। ये आपने आई थिंक क्लॉथ्स में पढ़ा होगा पश्मीना शॉल के बारे में। और जो इनका जो डेरा होता है, ये अपने टेंट को क्या बोलते हैं, इनके टेंट को अलग ही नाम दिया गया है, ये बोलते हैं इसको रेबो। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेबो। तो ध्यान रखना है अपने टेंट को, अपने डेरे को रेबो कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लद्दाख की चांगपा जनजाति है, फिर ये पूछा गया लद्दाख की कौन सी जनजाति टेंट को रेबो बोलती है, या फिर ये पूछा जाएगा लद्दाख की जो चांगपा जनजाति है उसमें टेंट को क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है आपका रेबो। रेबो और चांगपा दोनों चीजें ध्यान रखना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब ये टेंट के बारे में ही है कुछ। नियर द रेबो देयर इज अ प्लेस टू कीप शिप। जो ये रेबो एक टेंट बनाते हैं अपना, उसके पास एक दीवार से लगा लेते हैं जहां पे अपनी भेड़ बकरियों को रखते हैं, पत्थर की बनी दीवार रख लेते हैं, लगा लेते हैं। उस दीवार को क्या बोलते हैं? उस दीवार को बोला जाता है आपकी लेखा। क्या बोला जाता है? लेखा। ध्यान रखना रेबो टेंट के पास एक दीवार लगी हुई होती है पत्थरों से बनी, उसको बोलते हैं ये लेखा, जिसमें अपने पशुओं पर, पशुओं क्या अपने पशुओं को रखते हैं। और हर कोई, अब देखो हर कोई भेड़ बकरियों का वो करता है वहां पे, हर कोई भेड़ बकरियों से अपना जीवन यापन कर रहा है, उनको उनका दूध वगैरह बेच के, उनकी ऊन को बेच के, उनसे कुछ बना बनू के। तो क्या हो रहा है वहां पे, आप पहचानेंगे कैसे ये? तो ये पहचानने के लिए क्या करते हैं, एक अलग से निशान लगा लेते हैं अपनी अपनी जानवरों पर, यानी जिसकी जितनी भेड़ है उन्होंने या तो नंबर्स लिख दिए उन पर, उनके बॉडी के ऊपर इतने नंबर हैं इसके, या फिर कोई अलग से निशान लगा लेते हैं अपनी पहचान का कि हाँ ये भेड़ बकरियां हमारी हैं। तो ध्यान रखने वाली बात भी। और स्त्रियां और युवतियां गिनती हैं का मतलब है कि जो काउंट करती हैं, वो जो लेडीज होती हैं घर की, लड़कियां होती हैं, वो इनको काउंट करती हैं कि हाँ हमारी इतनी है, और फिर घर से बाहर ले जाती हैं चराने के लिए। तो वो काउंट करके लेके जाती हैं, काउंट करके ही लेके आती हैं कि हाँ इतनी थी और इतनी है आपकी। तो चलिए ये थी पूरी आपकी किसके बाद, लद्दाख की एक जनजाति की बात, चांगपा की। अब बात करते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए हाउस मेड अप ऑफ मड बैम्बू एंड स्ट्रॉ इज कॉल्ड, यानी एक घर जो आपका मड यानी कीचड़ से बना हो, मिट्टी से बना हो, बैम्बू आपके जो वो होते हैं बैम्बू बांस होते हैं, स्ट्रॉ जो आपका एक तरीके से स्ट्रॉ होता है पतला वाला प्लास्टिक होता है, उससे बने हुए घर कैसे कहलाते हैं? अभी आपको बताया था दो टाइप के घर होते हैं मेनली, कौन कौन से? कच्चा हाउस और पक्का हाउस। तो जो कच्चे हाउसेस के मटेरियल थे वो कौन कौन से थे, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। ये है आपका कच्चा हाउस। कैसे? देखो जो आपके कच्चे हाउसेस होते हैं, आपको पता है कच्चे हाउस यानी कि मिट्टी से बने हुए होंगे, बांस वगैरह से बने हुए होंगे, लकड़ियों से, ऐसी वैसी लकड़ियों से, हल्के प्लास्टिक से, तो उनको बोलते हैं कच्चा हाउस। पक्का हाउसेस के मटेरियल, अब यहाँ पे आपसे पक्का हाउसेस के मटेरियल दे दिए जाते हैं, यानी कि सीमेंट से बने हैं जो, ठीक है, ब्रिक से बने हैं जो, ईंटों से बने हैं जो, आयरन से बने हो जो, लोहे से, स्टील से बने हो जो, वो कौन से होते हैं आपके पक्के घर। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि कच्चे हाउसेस के मटेरियल कौन कौन से हैं और पक्के हाउसेस के मटेरियल कौन कौन से हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक 29 है या 2021 है। चलिए क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस, यानी एक घर के बारे में आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो हमें बताना है वो घर आपका कहाँ मिलेगा। मतलब पहला है आप, हमें बतानी है द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें सॉरी सही स्टेटमेंट्स बतानी है कौन कौन सी है। द इन राजस्थान द विलेजर्स लिव इन मड हाउसेस विद रूफ्स ऑफ थॉर्नी ब्रशेस, यानी कि राजस्थान में जो गांव के लोग होते हैं उनके घर कैसे बने हुए होते हैं? कांटे वाली झाड़ियों के साथ उनकी रूफ होती है, और किससे बने हुए होते हैं? मड हाउसेस, कीचड़ के हाउस होते हैं, और उनकी जो छत होती है वो कांटेदार झाड़ियों की उससे बनी हुई होती है। तो आपको कुछ ध्यान आ रहा है या नहीं, सोच लो जल्दी से, अभी बताया था। नेक्स्ट है आपका, इन मनाली हिमाचल प्रदेश हाउसेस आर मेड अप ऑन बैम्बू पिलर्स, मनाली के जो घर होते हैं वो किस पे? खंभों पर, बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका,
इन लेह टू फ्लोर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स, लेह में पत्थर के दो मंजिला घर बनाए जाते हैं, यानी दो फ्लोर्स होती है, एक ग्राउंड फ्लोर होती है, फर्स्ट फ्लोर होती है। तो जो ग्राउंड फ्लोर होती है वो पशुओं के लिए होती है, और जो आपके और किसके लिए, जरूरी सामान को इकट्ठा करने के लिए। अब इनमें से बताइए कौन सी दो स्टेटमेंट सही है या कौन सी एक स्टेटमेंट सही है, जल्दी से बताओ। अभी लास्ट में क्या करवाया था आपको कि जो लेह लद्दाख के घर होते हैं वो कैसे होते हैं, ये बिल्कुल सही है, दो फ्लोर हाउसेस बने हुए होते हैं, एक में वो लोग खुद रहते हैं, नीचे वाले में वो अपने जानवरों को रखते हैं या फिर कोई जरूरी सामान इकट्ठा करके रख देते हैं, या फिर जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इन इंटेंस कोल्ड, जो बहुत ही ज्यादा पड़ती है ठंड, तो उसमें क्या करते हैं वो खुद से नीचे आ जाते हैं और जरूरी सामान को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये होते हैं लेह लद्दाख के घर, ये बिल्कुल सही है ये वाली पॉइंट आपका। तो जिसमें ओनली सी दिया है, अभी देखो ए और बी वाले को तो काट ही दो, क्यों, क्योंकि सी सही है हमारा। चलिए ऑप्शंस को बाद में देखते हैं। इन राजस्थान द विलेजर्स लिव इन, राजस्थान में भी ये इस बात सही है, कच्चे हाउसेस होते हैं, उनकी जो छत होती है वो आपको दिखाई भी थी, जो कीकर का पेड़ होता है, कांटे भरो जो पेड़ होता है उसकी झाड़ियों से वो बनाई जाती है, तो ये भी सही है आपका, थॉर्नी ब्रशेस से बनाई जाती है। देखो मनाली में इन्होंने बोल रखा है बैम्बू पिलर्स, मनाली में बांसों के खंभों पर अगर घर बनाओगे, मनाली में क्या है एक तो हिली एरिया है, ठीक है, बात बहुत ज्यादा वहां पे रेनफॉल नहीं होती है, बर्फ ज्यादा पड़ती है, तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ रही है वो क्या है, उनकी स्लैंटिंग तो रूफ्स होंगी, और उनके घर किसके होंगे, स्टोन्स के, पत्थर और वुड के। तो ध्यान रखना इनके घर होते हैं आपके स्टोन्स और वुड के, मनाली के जो घर होते हैं। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे गलत है। तो कौन से दोनों पॉइंट सही है आपका, ए एंड सी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो क्लियर है यहाँ तक, ध्यान रखनी है आपको ये वाली बात। चलिए अब आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, इन ए हिली एरिया इट वॉज ऑब्जर्व दैट द पीपल है built their houses using stones, mud, lime and wood. यानी कि वहां के जो लोग थे उन्होंने अपने घर कैसे बनाए गए हैं, चूने से, मिट्टी से, चूने से और कीचड़ से, पत्थर से, और आपके किससे, लकड़ी से। तो दीज हाउसेज है टू फ्लोर्स, और दो फ्लोर है। अब जहाँ पे दो फ्लोर का घर आ गया वो तो कहाँ पे पाया जाता है आपका, लद्दाख में ही पाया जाता है। ऑन द ग्राउंड फ्लोर दे प्रोवाइड स्पेस फॉर एनिमल्स टू लिव, जो उनके नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है उस पे वो एनिमल्स को रखते हैं, जानवरों को, और खुद से अपना कुछ सामान रखते हैं, जरूरी चीजें, और खुद वो रहते हैं ऊपर वाली उस पे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो द रूफ ऑफ द हाउसेज आर फ्लैट, तो ये जो घर है उनकी जो छतें हैं वो फ्लैट है, मतलब बिल्कुल समतल है, और किससे बनी हुई होती है आपकी, जो पेड़ के मोटे मोटे तने होते हैं उनसे बनी हुई होती है। तो ये जो हिली एरिया है इज ए पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है आपका, तो लद्दाख की बात हो रही है सिंपल सिंपल, क्योंकि लद्दाख में ही आपके दो फ्लोर के घर पाए जाते हैं, अभी हमने क्वेश्चन किया भी था, सारी डिटेल पढ़ी थी। तो लद्दाख आपका किसका पार्ट है, देखो लद्दाख फिलहाल एक यूनियन टेरिटरी है, अलग से क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये पार्ट है आपका जम्मू एंड कश्मीर का। किसका पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए वाला क्वेश्चन पूछा गया था, अभी पूछा गया है लेटेस्ट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज इन द रूरल एरिया इज लिंक्ड टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन विच दे आर बिल्ट, यानी कि जो किसी भी आपका ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे होते हैं वो वहां का जो क्लाइमेट होता है, वहां का जो वातावरण, मौसम, मौसम होता है उस तरीके का, स्थिति से संबंधित होते हैं। तो देयर इज अ विलेज वेयर हाउसेज आर फॉलोइंग फीचर्स, तो एक विलेज का नाम बताया गया है, ये उसके फीचर्स बताए गए हमें क्या क्या है। सबसे पहला फीचर है हाउसेज आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बेम्बू पिलर, अब जो घर आपके बेम्बू पिलर के ऊपर, सिर्फ एक ही जगह के घर बनाए गए थे, याद करो कहाँ के बनाए गए थे, जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, वो बेम्बू पिलर के, उसीलिए किस लिए बनाए गए थे, बारिश ज्यादा होती है इसलिए वो जमीन से, इनसाइड ऑफ हाउस इज आल्सो मेड ऑफ वुड, घर के अंदर भी वुड का ही इस्तेमाल करते हैं, और हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 3 से 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड, जमीन से 3 से 3.5 मीटर या फिर 10 to 12 feet अबव द ग्राउंड, या तो 10 से 12 फीट में बोलोगे तो 10 से 12 फीट ग्राउंड से अबव,
और मीटर में जाओगे तो 3 से 3.5 मीटर अबव। तो ध्यान करो कौन सा है ये फीचर आपका, रूफ्स आर मेड विद स्लोप और स्लोप के साथ, ऐसे स्लोप के साथ छतें बनाई गई हैं। तो ये है आपका असम के घर, बिल्कुल सही है यहाँ पे असम के घर है ये। क्यों? क्योंकि असम में बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है और वहां पे स्लोपिंग रूफ्स वाले घर बनाए जाते हैं और ग्राउंड से 10 से 12 फीट, दोनों चीजों का ध्यान रखना भाई, 10 से 12 फीट और 3 से 3.5 मीटर अबव। मीटर में 3 से 3.5 मीटर है और फीट में 10 से 12 फीट है, तो ऐसे बनाए जाते हैं। आपको दिखाया भी था असम का घर कैसे बनाया जाता है, तो ध्यान रखना है। चलिए इसका राइट ऑप्शन है 4th। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, मैच ईच ऑफ द लोकेशन विद करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कॉमन हाउसेस बिल्ट इन दैट एरिया। यानी कि आपका जो हमें फीचर्स दिए हुए हैं घरों के और स्टेट दी हुई है किसमें कैसे घर पाए जाते हैं। तो देखो भाई ऑप्शन तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता, फिर आपको क्वेश्चन नहीं दिखता, इसलिए ऑप्शंस मैंने कट कर दिए हैं। आप यहीं से मिलान कर दीजिए जैसे भी है। फर्स्ट बात करते हैं मनाली, मनाली में कैसे घर पाए जाते हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन है एलिवेटेड हाउसेस मेड ऑन बैम्बू पिलर। देखो बैम्बू पिलर आ गया, बैम्बू पिलर में घर सिर्फ और सिर्फ असम में बनाए जाते हैं, तो असम वाले को सी वाले को तो इससे जोड़ दो। असम में एलिवेटेड, एलिवेटेड हाउस यही होते हैं स्लोप वाले, ऐसे छत होती है जिनकी, तो ये कहाँ बनाए जाते हैं आपके, असम में। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान में कैसे बनाए जाते हैं, हाउसेज मेड ऑफ स्टोन विद स्लाइंटिंग रूफ। देखो स्टोन और वुड के घर और रूफ क्या हो, स्लाइंटिंग हो, तो पत्थर और लकड़ी के घर किसमें बनाए गए थे, दिखाया भी था मैंने आपको, वह बनाए गए थे आपके मनाली में। ठीक है, स्लाइंटिंग रूफ क्यों थी, क्योंकि वहां पे बर्फ पड़ती है, जब बर्फ पड़ती थी उसको नीचे लाने के लिए, और जो बारिश होती है। बात करते हैं आपके लद्दाख के घर की, लद्दाख के घर के आपको पता है 2 फ्लोर होंगे। अब कहीं पे लिखा है या नहीं, फ्लोर नहीं लिखा, तो आप घर का फीचर कर सकते हो मड हाउसेस हैविंग रूफ्स मेड ऑफ थॉर्नी ब्रशेस। ये तो ध्यान आ गया होगा आपका। देखो राजस्थान का कैसे याद रखोगे, थॉर्नी बुशेस यानी कि जो कांटे वाली झाड़ियां होती है उनकी छत होती है, तो ये किससे याद करो, राजस्थान से कनेक्ट हो गया। और रह क्या गया आपका लद्दाख में, आपको पता है लद्दाख में लाइम का भी इस्तेमाल होता है, और आपका किसका होता है, हाउस बोट का तो लद्दाख में इस्तेमाल होता नहीं है, इसलिए इसको तो कट कर दो, ये तो किसी से मैच नहीं होगा। तो लद्दाख का बना सकते हो मेड ऑफ स्टोन, पत्थरों के घर बनते हैं, वुडन की फ्लोर होती है, वुडन की सीलिंग होती है, जी हाँ, पेड़ के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वुडन की सीलिंग होती है, वुडन की आपकी फ्लोर होती है, तो ये बन जाएगा सिंपल सिंपल आपका लद्दाख में। तो ध्यान रखना हाउस बोट्स तो सिर्फ श्रीनगर में पाई जाएंगी, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाएंगी, लद्दाख में वो नहीं पाई जाएंगी, तो लद्दाख में ये वाला जाएगा। तो ध्यान रखना ए का 2 है, बी का 4th है, सी का 1st है और डी का आपका 4th है। क्लियर है, डी का 5th है सॉरी, तो ध्यान रखना। चलिए एक ऑप्शन उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, वो आपको चूज करना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाउसेस। हाउसेस के निम्नलिखित आपको विवरण दिया हुआ है, उसके बारे में बताना है, विशिष्टता दी हुई है कुछ। ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडोज, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें कोई खिड़कियां नहीं होती है, जो नीचे वाला फ्लोर होता है, निचली मंजिल में कोई खिड़कियां नहीं है। स्लैंटिंग वुडन रूफ मेड ऑफ ट्री ट्रिंक्स, स्लैंटिंग वुडन रूफ है, स्लैंटिंग छत है, लेकिन किसकी है, मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स। ये तो ध्यान रखो कि ट्री ट्रंक्स यानी कि जो पेड़ के मोटे तने होते हैं उनसे छत बनाई जाती है, बट वो स्लैंटिंग नहीं होती है। कैसी होती है, वो फ्लैट होती है। तो ध्यान रखना ये कहाँ है, ये तो गलत हो गया आपका, ये जिसका भी फीचर है ये बताया जा रहा है आपको लद्दाख के हाउसेस का फीचर, ये हाउसेस ऑफ लेह लद्दाख, तो स्लैंटिंग रूफ नहीं होती है वहां पे, वहां पे होती है आपकी सीधी स्ट्रेट फ्लैट होती है। अब बात करते हैं हाउसेस 10 से 12 फीट अबव द ग्राउंड ऑन स्टोन पिलर्स। 10 से 12 फीट, ये तो असम की बात हो गई, किसकी बात कर दी इन्होंने, असम की बात हो गई कि जमीन से 10 से 12 फीट या फिर 3 से 3.5 मीटर ऊंचा। तो ध्यान रखना थिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन मडल लाइन, ये बिल्कुल लद्दाख की बात है, जहां पे मोटी दीवारें चूना पत्थर लकड़ी से बनाई जाती है, ये सही है आपका।
वुडन फ्लोर्स, लकड़ी के उनके दरवाजे होते हैं, लकड़ी की उनकी सीलिंग होती है, ये भी सही है। और ग्राउंड फ्लोर में कोई खिड़कियां नहीं होती हैं, ध्यान रखना, मैंने बताया भी था, पॉइंट लिखा भी है फीचर्स में कि ग्राउंड फ्लोर में कोई खिड़कियां नहीं होती है। तो ये सारी चीज आप देख लो किसमें है, ए डी ई, ए डी ई है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो आपको है ना चीजों को छांटना आना चाहिए, आपको सारे हाउसेस के फीचर्स पता है, तो आप इजीली, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे कि जो ट्री ट्रंक वाला है, अब ये तो ध्यान है कि ट्री ट्रंक वाले बनते कहाँ, लद्दाख में बनती है रब छतें, लेकिन वो स्लैंटिंग नहीं होती, वो होती है आपकी फ्लैट, तो ध्यान रखनी है वाली बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो लद्दाख से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तीन चार बार, लद्दाख असम राजस्थान मेनली तीन चार जगहों से पूछता है। अब ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है आपका पूछा गया है, एस्किमोस मेक्स हिज हाउस दैट इज इग्लू, जो आपके एस्किमो जनजाति होती है वो घर बनाती है इग्लू, किससे, बर्फ से, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, अब इसके पीछे क्या रीजन है, मैंने बोला था ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, तो इस क्वेश्चन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो वो जैसे बोलते हैं कि बर्फ तो बहुत ठंडी होती है, बर्फ में ठंड लगती है, लेकिन वो बर्फ का घर बनाते क्यों है। पहला ऑप्शन है आपका ओनली आइस इज अवेलेबल इन पोलर रीजंस, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही मिलती है, या फिर आइस डज नॉट अलाउ कोल्ड एयर एंड वाटर टू कम इनसाइड, या फिर बर्फ जो है वो ठंडी हवा को और पानी को अंदर नहीं आने देती, या फिर द एयर बिटवीन द आइस वॉल्स प्रिवेंट्स द इनसाइड हीट फ्रॉम एस्केपिंग, यानी कि जो बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा होती है, जो बर्फ की दीवारें बनी हुई है उनके बीच जो हवा है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अंदर की गर्मी कैसे बन जाती है, बर्फ में भी गर्मी ही होती है आपको पता है, और जैसे जैसे उसके अंदर लोग रहते हैं, उस इग्लू के अंदर लोग रहेंगे तो वहां पे क्या है, गर्मी बन जाएगी, तो वो फिर ना गर्म ही रहता है, इसलिए वो ठंडा नहीं होता है, इसलिए वो आसानी से उनमें रह सकते हैं। तो यही ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट और देख लो, आइस इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वहां पे बर्फ मुफ्त में मिलती है, ये कोई रीजन नहीं है, और अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी जी नहीं। देखो मेनली सबसे पहली बात, इग्लू जो घर होते हैं वो बनाए कहाँ जाते हैं, इंडिया में, हमारे इंडिया में तो ये सिर्फ मनाली में, जब ज्यादा बर्फ पड़ती है तब कुछ जनजातियां इसको बनाती हैं, तो हमारे इंडिया में मनाली में, बाकी इसको कनाडा में भी बनाया जाता है, यूएसए में भी, रशिया में भी, जहाँ पे ज्यादा बर्फ पड़ती है उन एरियाज में इनको बनाया जाता है। अब इस वाली, इसका सबसे मेन रीजन क्या है, देखो जो आइस होती है आपकी गुड इंसुलेटर होती है, एक होते हैं कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने आप में से खुद को हीट को ट्रांसफर होने देते हैं, और इंसुलेटर वो होते हैं जो आपके हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते। लकड़ी भी एक इंसुलेटर है और आपका आइस भी एक इंसुलेटर है, तो इसलिए ये अंदर की गर्मी को अंदर ही बनाए रखने देती है, बाहर नहीं जाने देती है, इसीलिए जो एस्किमो जनजाति होती है वो इग्लू के घरों में रहते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक 15-16 में पूछा गया है, इस बार ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोबारा से। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो आई थिंक नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ रिटन बाय स्टूडेंट अबाउट हिज हाउस इन ए विलेज। एक स्टूडेंट है, उसने अपने गांव के बारे में, घर के बारे में एक फीचर लिखा है, तो क्या लिखा है, I have come from a village. मैं एक गांव से आया हूँ। It rains heavily at our place. हमारे स्थान पे बहुत जोर से बारिश होती है। Hence our houses are made almost 10-12 feet or 3 to 3.5 meters above the ground. इसीलिए जो हमारे घर हैं, वो 10-12 feet ऊंचे बनाए जाते हैं, या फिर 3 to 3.5 meters ऊंचे बनाए जाते हैं जमीन से। दे आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स, वो बैम्बू पिलर्स पे, बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं। द इनर साइड्स ऑफ आवर हाउसेस आर आल्सो मेड ऑफ वुड, और जो हमारे घरों की अंदर की साइड होती है वो भी मेनली वुड से ही बनी हुई होती है। तो आपको ध्यान आ गया होगा जहाँ पे 10-12 feet आ जाए, देखो मैं आपको की पॉइंट दे रही हूँ, 10-12 feet असम के घर, थॉर्नी बुशेज विद रूफ वो है आपका राजस्थान का घर, लद्दाख में 2 floor होती है, मड लाइम और वुड इनसे घर बना हुआ होता है, और 2 floor में, पहली फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में कोई खिड़कियां नहीं होती है। ये की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने, बाकी आपको 3-4 ज्यादा से ज्यादा 4-5 घर ही तो याद रखने जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किसका है आपका, असम का है ये फीचर। तो
ध्यान रखने वाली बात, आपको जो कुछ भी पढ़ाया है वो सारा अच्छे से याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नहीं है, तो ये थे आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ह्यूमन शेल्टर्स पे आए हुए हैं। तो आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्टली आए थे, जो शेल्टर टॉपिक्स आए हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था शेल्टर। 3 क्वेश्चन इससे लगा के चलो, हर साल 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब आप देख रहे थे लद्दाख वाला क्वेश्चन था, बहुत बार आया था। तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप बेशक उनको कर सकते हैं, और जो भी आपको कंटेंट करवाया है सारा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।